हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ाम हेल्पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका इसी मंथ ईएमआरएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आपके लिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूं और मैं दो सीरीज लेकर के आता हूं। एक होती है मेरी मॉक सीरीज और एक होती है थ्योरी सीरीज। अगर आपको थ्योरी सीरीज कंप्लीट देखनी है तो आपको द एग्ज़ाम हेल्पर जीके में जाना पड़ेगा, जो कि हमारा सेकेंड चैनल है। माई सेल्फ नितेश कुमार मेघानी, आपकी मैं मॉक कंप्लीट करवा रहा था, मॉक नंबर 5। ये है क्या बच्चा, ये है केंद्रीय विद्यालय के प्रीवियस ईयर पेपर। और इस केंद्रीय विद्यालय के प्रीवियस ईयर पेपर को करने की आवश्यकता क्या पड़ी बच्चा, एक्चुअली क्या है, आपका जो मैथ्स का पेपर, आपका जो पूरा ईएमआरएस का एग्जाम है वो सीबीएसई कंडक्ट कराने जा रही है, और केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर सेट किया था वो भी सीबीएसई ने ही किया था। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये पैटर्न को समझना। ठीक है, तो 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम एक बार फिर से बता देता हूँ, माय नेम इज नितेश कुमार मेघानी। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आता हूँ। मैथमेटिक्स का मैंने 2 मार्च का सेकेंड शिफ्ट भी करा दिया है। ठीक है, चौथा पेपर, थर्ड पेपर भी मैंने करा दिया है, दूसरा पेपर भी, पहला पेपर भी, मैंने सब करा दिया लगभग लगभग। हाँ, अगर आप मेरी मैथमेटिक्स की क्लास देखना चाहते हैं तो दी एग्जाम हेल्पर जीके पर जाइए। मैंने लास्ट क्लास मिक्सचर एंड लिगेशन की कंप्लीट करवा दी है। ऐसे करके मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं और 10 तारीख से पहले पहले मैं आपको लगभग लगभग कोर्स इसमें कंप्लीट करवा दूंगा। ये रहा मेरा फोटो, स्मार्ट पर्सन नितेश कुमार मेघानी, एनआईएस के अंदर मैं जॉब करता हूँ। ओके, चलते हैं। पहला पेपर भी मैंने सॉल्व करा दिया था। कंप्यूटर का पेपर जो है इसी चैनल पर राहुल सर करवा रहे हैं। धीरे धीरे इनको भी थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, बहुत सारी क्लासेस लेते हैं इसलिए टाइम कम होता है, तो ये डाल देंगे। ठीक है ना, ओके। कंप्यूटर की क्लासेस सर ले ही रहे हैं, ये सारा हो गया। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे चैनल पर परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया, परसेंटेज कंप्लीट करा दिया, रेशो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट करा दिया, एज कंप्लीट करवा दिया है, टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा दिया है, एवरेज कंप्लीट करा दिया है, मिक्सचर एंड लिगेशन कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की तरफ लेकर के चलूंगा, जो कि हमारे लगभग लगभग लास्ट टॉपिक्स ही हैं। ठीक है ना, तो देखने के लिए द एग्जाम हेल्पर जीके को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं अपने पेपर के ऊपर चलता हूँ। ये है हमारा पेपर। ठीक है, ये हमारा पेपर है जिसका नंबर, ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा पड़ा है केंद्रीय विद्यालय जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पेपर है। 4 मार्च 2023 का ये पेपर है, पहली शिफ्ट का। मैं डायरेक्ट अपने मैथ्स के सेक्शन के ऊपर चलता हूँ और आपका बिना किसी देरी से पेपर सॉल्व करवाता हूँ। डायरेक्ट मैं 50वें नंबर पर आया, 50वें नंबर पर चालू हो गया हमारा 101वां क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। अब देखो बच्चा, मैंने आपको 4 प्रैक्टिस पेपर कराए, 4 प्रैक्टिस पेपर में आपने जितना कुछ सीखा ना उसको यहाँ पर लगाने की कोशिश करना। देखो बच्चा, सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आप तो एक तो ये का है, का को सॉल्व करने के लिए 25 × 1/5। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। अगर आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो बच्चा कितना आएगा, 27 और 73 ये मिलकर के 1 हो जाएंगे, 7 और 32 हो गया अपने पास 39। 39 / 13 -2.5, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3, 3 में से 2.5 माइनस करेंगे ये 0.5, 0.5 आपको प्लस करना है इसमें। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जब अपन पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो लगाएंगे तो 500 से डिवाइड करना है इसको। सॉल्व कर लो 500 से कितनी बार बच्चा, आप बोलोगे 1500 बार, सर 3 बार। फिर उसके बाद आप इसे वापस सॉल्व करोगे तो 425, 425 के लिए अपने को पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगा दिया। फिर उसके बाद हम क्या करें, 500 को 8 बार अपन ने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4000 डिवाइड 5, 200। 250 को अगर अपन डिवाइड करेंगे 500 से तो ये हमारे पास जाएगा आधे बार, मतलब 5 बार जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, तो 5 बार समझ में आ गया। 3.85 में से हम माइनस करेंगे 0.5, 0.5 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 3 और ये 3, 3.35। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 3.35 ही आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने बच्चा, एक मिनट दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है ना, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है ना, मेरे से भी हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ये किसी से भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ दोबारा सॉल्व करके। देखो जल्दी से हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। अगर अपन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, वापस एक बार डिवाइड कर लो बच्चा, ये आ गया हमारे पास 500 को अपन करेंगे 3 बार 1500, फिर उसके बाद आ गया अपना 425 यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये कर देंगे अपन इसको ओके 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 ओके।
ये प्लस में आएगा बच्चा, ठीक है। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, 3.85 प्लस यहाँ पर 50 जो है, 0.50 प्लस में आएगा। ये प्लस वाला साइन है ना, ये भूल गया मैंने, तो 5 और ये 3.5, इसका आंसर आ जाएगा 4.35, ठीक है ना। कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो छोड़िए बच्चा, अभी तो 10 दिन बाद पेपर है आपका, क्या करोगे आप, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर पैटर्न को समझिए, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे कर रखे होंगे, ठीक है ना। एग्जाम आपका है, आपको देना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप भी सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो बच्चा 4.35 आंसर आएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 अंकीय संख्याओं का, जो बच्चा इंग्लिश वाले बोल रहे थे, मैं आपकी बार साथ के साथ इंग्लिश को भी लेके चल रहा हूँ, ओके। 3 अंकीय वह अधिकतम संख्या है जो 2, 3, 4, 6, 8 का एक गुणज है, ठीक है ना, निम्न में से संख्या है। अब बच्चा देखो, जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस को बेसिक का सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। बेसिक तरीका ये होता है बच्चा कि इन सबका एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम अगर अपन लेंगे तो 2, 2 से 1 बार, 3 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ओके। फिर 2 से डिवाइड करेंगे अपन तो 1 बार, 3 बार, 1 बार, 3 बार और 2 बार। फिर अपन 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 1, 3, 1, 3 और ये 1। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। जब तक ये एक एक नहीं होता, आपको पता होगा ये तरीका। इनको सबको मल्टीप्लाई करो, आप बोलोगे सर 24 आया। इसका मतलब बच्चा वो संख्या जो है ये 24 से डिवाइड होनी चाहिए। डिवाइड करके देखो, 182 डिवाइडेड बाय 24, क्या ये संख्या डिवाइड होती है, आप बोलोगे होती है, बताओ करके बताओ। 24 को करेंगे 96, 96 का मतलब आ जाएगा 2, 22, ये सर संख्या डिवाइड नहीं होती है। इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे 984, 984 डिवाइडेड बाय 24 सॉल्व करोगे 94, 2/4 ये संख्या होती है। बट 100% श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि बच्चा यहाँ पर एक वर्ड दे रखा अधिकतम, अधिकतम ये भी हो सकती है। 992 डिवाइडेड बाय 24, 992 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे 96, 32 ये संख्या नहीं होती है। 996 डिवाइडेड बाय 24, 96 और 36 ये संख्या भी नहीं होती है, तो 100% यही आंसर आएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे करना है पेपर के अंदर, बच्चा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, मैं आपको बता ही नहीं रहा ऐसे, ठीक है ना। यार ये डायरेक्ट डिलीट नहीं होता क्या, ये इरेज नहीं होता है ना, पता नहीं यहाँ पर उसकी पीपीटी के अंदर तो डायरेक्ट डिलीट था, पर यहाँ इरेज नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा जा जब तक चाहिए अपने को, वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चल आगे चलो, आगे चलते हैं हम 3 अंकियों की संख्या ये वाली। अब देखो बच्चा ध्यान रखना, एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये वाली संख्या दे रखी है, अगर ये वाली संख्या दे रखी है, तो इनमें से सबका भाग किसी एक संख्या में जाना चाहिए, क्या वही आंसर होगा, आप बोलोगे हाँ सर। तो मेरे पास 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। ये 3 कट गया, 8 और सर 10 बोलोगे ये आंसर नहीं हो सकता। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो, 9, 8 और ये आंसर हो सकता है सर। ये वाला आंसर 9 और 9, 18 ये आंसर नहीं हो सकता, इसको हटाओ। 9, 9 ये आंसर हो सकता है सर, एक बार रख लो। क्या क्या बात समझ में आ रही है, क्या मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ ना कुछ तो बोलो मेरे भाई, ठीक है ना। आपका पेपर है 10 दिन बाद, हाँ ना कुछ बोलते रहा करो एक कमेंट में, एक तो व्यूज ही नहीं देते तुम, इतना छोड़ो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो बोकाल सीरीज देख लेना बच्चा, उसके अंदर लगभग लगभग मैंने पैटर्न के क्वेश्चन करा रखे हैं। जितने भी बच्चे आप ग्रुप उठा करके देखो ना, मेरे को पर्सनल मैसेज आते हैं, ग्रुप में आते हैं, सर मोर देन सफिशिएंट कंटेंट करा रहे हो, मॉक लगाते हैं तो भी उसमें सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, सब कुछ बेस्ट पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ते रहो, ठीक है ना। जाकर के बोकाल सीरीज देखो, 2, 3, 4, 6, 8। अब बच्चा एक बात बताओ, 2 से तो सब डिवाइड हो रही है, तो छोड़ो 8 से, 8 की डिविजिबिलिटी क्या मैंने आपको बताई है बच्चा, आप बोलोगे सर 8 की डिविजिबिलिटी बताई है आपने सम और विषम करके। तो बच्चा सम वाले, अगर सम दिख जाए तो सम से डायरेक्ट डिवाइड कर देना 8 को, विषम दिख जाए तो +4 करना और फिर 8 से डिवाइड करना, ठीक है ना। यहाँ पर विषम है तो इन दोनों को इसको प्लस करो, 88 में 8 का भाग जाता है, 100% यही आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे वाला तरीका मत करना बच्चा, है ना, ये डायरेक्ट तरीका है, ठीक है। बेस्ट अप्रोच बताऊंगा आपको एग्जाम के लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी कर पाए। अब बच्चा ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या मैं 4 मॉक के अंदर ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन आपको करा करके आया हूँ। अब आज मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर किसी ने पिछले वाले मॉक देखे हैं, मैंने खोल खोल करके स्टेप इसको बताया। आज कोई भी बच्चा कमेंट मत करना कि सर आपने जल्दीबाजी में क्वेश्चन छोड़ दिया या क्या कर दिया, मैंने खोल खोल करके इस क्वेश्चन को समझाया है मैंने पिछले 4 मॉक के अंदर,
ठीक है बच्चा। और इसलिए आपको ये वाला मेरी तरफ से होमवर्क है एच डब्ल्यू, जब भी आपको आंसर निकल जाए NYNITYA1998 पर मेरे को मैसेज करिए टेलीग्राम के ऊपर, ये मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम है, मैं उसको बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन सही है गलत है, कितना आ रहा है क्या आ रहा है, सब बता दूंगा। ओके बच्चा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आप घर पे। मैं चलता हूँ 104 के ऊपर। क्या एलजेब्रा की आइडेंटिटी मैं बता चुका हूँ आपको, पहले मॉक के अंदर बताई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्या बताया था ये बात, आप बोलोगे हाँ सर। तो देखो वैल्यू क्या दे रखी है, 1.47 का स्क्वायर माइनस 0.44 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.91 का मान किसके बराबर होगा। अब बच्चा देखो ये हमारे पास क्या दे रखा है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसको खोलेंगे तो यही आएगा, आप बोलोगे हाँ सर यही आएगा। इसका मतलब एक बार तो इसको प्लस करना है दोनों को, एक बार इसको माइनस करना है। तो बच्चा 1.7 प्लस 0.4 ठीक है ना, तो 1.91 मल्टीप्लाई बाय, इसको माइनस करो कितना आएगा, 1.30 1.03 ठीक है ना बच्चा। फिर डायरेक्ट अपने को डिवाइड करना 19, क्या बच्चा ये ऊपर से नीचे से कट गया क्या, आप बोलोगे हाँ, तो ये वाला अपना आंसर आ गया 1.03 ठीक है बच्चा। एनर्जी लेवल इसलिए थोड़ा सा लो लग रहा होगा क्योंकि क्या है ऑफिस के अंदर अभी थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है ना, फिर भी मैं मतलब सुबह भी थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ, खाना पीना होता नहीं है, रात तक आपके लिए वीडियो शूट करता रहता हूँ, थ्योरी क्लास भी बनानी पड़ती है, तो आराम भी बिल्कुल सही तरह नहीं हो पा रहा, आँखों में भी थोड़ा पेन रहता है ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा कॉपरेट करना है ना। अभी सैटरडे संडे आएगा ना, तो मैं थोड़ा सा आराम करके वापस फुल एनर्जी से अपन कर लेंगे। और टेंशन मत लेना कोर्स की बच्चा, मैंने सब तैयार कर रखा है, सैटरडे संडे तक आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा ठीक है ना, एक्सेप्ट कुछ पॉइंट के, जैसे नंबर सिस्टम हो गया उसके रिलेटेड कुछ हो गए, तो नंबर सिस्टम तो बेटा मैं 5 क्लास में भी पूरा कंप्लीट नहीं करा सकता ठीक है ना, तो पूरा का पूरा नहीं, मैं 99% आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ओके बच्चा, जो इंग्लिश वाले थे वो इंग्लिश वाले यहाँ पर देख लीजिए, क्या सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने भोकाल सीरीज के अंदर नहीं कराया, आप बोलोगे हाँ सर कराया, डिविजिबिलिटी आपने अलग से पढ़ाई है 1 घंटा ठीक है ना। चलो सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, मैंने बताया था 72 के 2 को प्राइम फैक्टर कर लेना जिसको 8 और 9 करते हैं, यदि 9 संख्याओं में इस तरीके का दे रखा है 72 से विभाज्य है, तो बताइए 2x + 3y का संभावित अधिकतम मान क्या होगा। तो 8 और 9 करेंगे बच्चा, इसमें अपने को डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये संख्या को बड़ा बड़ा करके लिखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, 398y2। अब अच्छा क्या मैंने आपको ये बात समझाई थी कि यहाँ पर अगर सम दिख जाए तो आप सिर्फ डायरेक्ट 8 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इन दोनों में डिवाइड कर लेना। अब अच्छा यहाँ पर अधिकतम की संख्या को मत भूल जाना, एक आप बोलोगे एक एक नहीं हो सकता क्योंकि 12 में 8 का भाग नहीं जाता, 2 22 में 8 का भाग नहीं जाता, ये भी नहीं हो सकता, 3 हो सकता है बच्चा, पर 3 क्या अधिकतम मान है, चेक कर लेते हैं, अगर अधिकतम नहीं आएगा तो 3 ही मान होगा। 4 4 नहीं हो सकता सर, आप बोलोगे 5 सर 5 हो सकता है, 6 भी 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, तो सर वाई का मान जो है अधिकतम जो आएगा वो 7 आएगा। बच्चा क्या इतनी बात आपको समझ में आती है, आप बोलोगे बिल्कुल सर हमें ये बात समझ में आती है। अब संख्या बच्चा क्या हो गई, 284x398, वाई की जगह अपन ने 7 रख दिया और 2। अब यहाँ पर एक्स का मान निकालना है, क्या पता बच्चा 9 से अपन एक्स का मान निकाल सकते हैं, आप बोलोगे सर सबका टोटल जो है ना वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, और आपने हमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जैसे जैसे 9 बनता जाए काटते जाओ, 2 7 और 2 9 बन गया, काट दिया, 9 अपने आप में 9 है काट दिया, फिर उसके बाद 4 3 2 अपने आप में 9 है काट दिया, 8 और 8 कितना हो गया बच्चा 16 है ना। अब ये 16 बन गया, तो इसकी वैल्यू अधिकतम क्या रखनी चाहिए ताकि मेरे पास ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे ना तो ये बन जाएगा 18, और 18 9 से डिवाइड हो जाता है, तो x की वैल्यू जो है 18 हो सकती है। अब बच्चा आप बोलोगे सर 27 भी तो सम हो सकता है ना, बच्चा एक बात बताओ अगर ये 27 सम हो जाएगा तो क्या x की वैल्यू 11 होगी, क्या बीच वाली वैल्यू ये कभी दहाई के अंकों में हो सकती है क्या, आप बोलोगे नहीं सर ये तो इकाई एक ही यूनिट होगा इसका, तो इसलिए अपन ने x को 2 लिया, तो x का मान हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पर रख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, y का मान आया अपने पास 7 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, दोनों को सॉल्व करेंगे 25 25 हमारे पास आंसर आ गया। बेस्ट मेथड है, ऐसे मैंने 5 6 तरीके के मतलब 12 या 13 टाइप में डिविजिबिलिटी खत्म करी थी, और हर टाइप में मैंने समझाया था कैसे हो रहा है क्या हो रहा है क्यों हो रहा है सब कुछ। अगर इसके बाद भी अगर बच्चा आप नहीं पढ़ रहे ना तो इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है,
किसी की भी कोई गलती नहीं है, ये कड़वा सच बता रहा हूँ मैं आपको। इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी अगर आप पढ़ नहीं रहे, आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के बाद, फ्री में प्रोवाइड कराने के बाद आप नहीं पढ़ रहे, तो सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदार आप खुद हैं, टीचर अपनी तरफ से पूरा अच्छा पढ़ा रहा है। तो बच्चों आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक इमरजेंसी कॉल आ गया था तो मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी थी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ता हूँ, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पाइप एंड सिस्टर्न का है, ठीक है ना? पाइप एंड सिस्टर्न का ये वाला क्वेश्चन है अपने पास। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लीजिए, मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, तो बताइए। जबकि पाइप ए जो है बच्चा कितने में टाइम में, 4 घंटे में भर सकता है। बी जो है वो कितने टाइम में, 6 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। तो बच्चा अपन क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6, और ये आएगा अपने पास 4। बच्चा 4 जो है नेगेटिव में आएगा, क्यों? क्योंकि ये टंकी खाली करने की बात कर रहा है। अगर अपन 1 घंटे के काम की बात करें तो 1 घंटे में कितना काम होगा, 20 मिनट में 2 काम। पर ये बोल रहा है कि बच्चा 70 मिनट में कितना काम होना चाहिए, तो आप क्या करोगे सर, 20 जो दो जो काम है ना वो 60 मिनट में हो रहा है, आपको अगर 70 मिनट में चाहिए तो इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 7 बाय 3, 70 मिनट में काम होगा। अब ये 7 बाय 3 किस में से, 24 में से काम होगा ना, तो 24 में से हिस्सा निकालना है। उसने बोला था 70 मिनट में कितना भर जाएगा, तो बस बच्चा निकाल लो आप, 7 पलट करके ये ऊपर जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 24, 72, यही हमारा सही आंसर। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल टाइप है, पहले आता है ये टाइप, इजी है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टाइम एंड वर्क का। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देखें, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। 6 दिन 4 घंटे प्रतिदिन की दर से 200 बल्बों का प्रदीप्त करने की लागत 160 आई है। क्या ये वाला क्वेश्चन सेम मैंने करा नहीं रखा? आप बोलोगे सर करा रखा है भोकाल सीरीज में, ठीक है ना? जो नहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 160, क्या ये वाला फॉर्म बनता है क्या, एमडीएच वाला? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, आप करा रहे थे, हमने देखा भी है, हमने पढ़ा भी है, और हमने इसके मजे भी बहुत लिए। तो बस खत्म करो इसको सॉल्व करके। ये हमारे पास कितनी बार, हम 40 बार करेंगे, 40 से 5 बार, 40 से 4 बार, 4 से 4 कट गया, इसको करेंगे तो अपन 30। यहाँ से हम इसको सॉल्व करना चाहे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे सर हो जाएगा, 3 से डिवाइड करके देखो, क्या आ जाएगा, 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना? 6 से 2 और 8, 128। 128, 128 मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइडेड बाय 15, 15 से 2 बार, 2 बार करेंगे 256, 2 मल्टीप्लाई बाय 128, 256। ईजी क्वेश्चन है, सेम टाइप का करा रखा है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भोकाल सीरीज वालों बिल्कुल बता देना कि कमेंट में डाल देना कि मैंने ये वाला क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है ना? और जिसने नहीं बोला ना पिट्टी लगेगी, पिट्टी करा रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? 25 प्रेषणों का औसत जो है 18 है, 12 प्रेषणों का जो औसत है 14 है, अंतिम 12 प्रेषणों का 17 है। तो बस सिंपल सीधा सा, 25 मल्टीप्लाई बाय 18 करोगे इसका टोटल आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 14 करोगे 12 संख्याओं का टोटल आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 17 करोगे अंतिम 12 का आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो ये टोटल संख्याएं हो जाएगी 24। 25 में से 24वीं संख्या, 24 संख्याओं का माइनस करोगे तो सिर्फ एक संख्या आएगी जो कि 13वीं संख्या पूछी है। क्या आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे? आप बोलोगे नहीं सर हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, आपने एक नया तरीका बता रखा है, तो मैं यहाँ पर इसका सेकेंड मेथड बता देता हूँ। क्या बच्चा 18 टोटल है, 18 औसत है? आप बोलोगे हाँ सर। टोटल में औसत में कितनी कमी आई, 1 में 4 की कमी आई। आप बोलोगे सर 12 की टोटल में कमी आई, तो टोटल में कितनी कमी आई बताओ जल्दी से बच्चा। आप बोलोगे सर 48 माइनस का हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आओ बच्चा, मैंने बोला था 18 से कितना हो गया, 17 हो गया। कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। 12 में कितने की कमी आई, टोटल 12 की कमी आई। टोटल जो माइनस आया वो कितना आया, 60 आया। आप बोलोगे सर ये 60 डेविएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर आपको ये 18 औसत लेकर के आना है ना 25 संख्याओं का, तो आपको डेविएशन को जीरो करना पड़ेगा, और जीरो तब होगा जब आप 13वीं संख्या में प्लस 60 कर दोगे। तो बच्चा हमने सारी संख्याओं को 18 18 18 मान लिया था, तो 18 में 60 जोड़ोगे तो 78 आंसर। पेन उठाने तक की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में।
अगर जिसको बेसिक आता है, मैंने बेसिक बता दिया फर्स्ट, ये वाला भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपके एग्जाम के लिए। जो डायरेक्ट करना चाहता है उसको मैंने ये भी बता दिया, तरीके मैं सारे बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, सेम टाइप का क्वेश्चन क्या मैंने कल परसों भी कराया था क्या? आप बोलोगे हाँ सर कल परसों भी कराया था, और ये आपकी एज वाली क्लास से भी आया हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल आया हुआ है, गर्व से कहते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, 3 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु 27 थी। अब अच्छा, क्या मैंने ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है जब मैंने बोला था कि जब औसत दे रखा हो तो गुणा करके 3 से गुणा कर दोगे तो 81 हो जाएगा। पर 81 जो है ना बच्चा, वो वर्तमान नहीं है, वो 3 साल पुराना है। तो 3 साल पुराना है तो 3 साल 3 साल 3 साल सब में ऐड करो, ये 3 वर्ष पहले है। अब आज की बात की जाए तो ए प्लस बी प्लस सी जो है, 81 प्लस कितना हो जाएगा 9, तो 90 आज का ये योग आ गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। फिर इसने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व बी और सी का औसत इतना था। बच्चा बी प्लस सी का अगर आप 5 वर्ष का टोटल निकालोगे तो क्या 20 × 2 आएगा? आप बोलोगे सर 40 वर्ष आएगा। 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो 5 वर्ष पूर्व अगर 5 5 थी, मतलब 5 वर्ष पूर्व इतना था, तो आज की तारीख में क्या 10 जोड़ना पड़ेगा? आप बोलोगे हाँ सर 5 1 का 5 1 का। तो टोटल बी प्लस सी आज की तारीख में कितने हैं? आप बोलोगे सर बी प्लस सी आज की तारीख में 50। सही है। आज की तारीख में ए प्लस बी प्लस सी कितने हैं? 90। वर्तमान में ए बी और बी और सी कितने हैं? 50। जब मैं बी को बी से, सी को सी से माइनस करूंगा तो 90 में से जब 50 माइनस किया तो 40 ए आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 40, जो कि बहुत आसान था। सेम टाइप का क्वेश्चन करा रखा है ना, किसी को प्रूफ नहीं होना तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। टीचर के ऊपर अगर आपको बिलीव नहीं है तो फिर आप गलत जगह से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बच्चा। क्लियर बोलता हूँ मैं, क्लियर, ठीक है ना। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को खुश करने के लिए क्वेश्चन करा दिए, खुश करना है तो बस, ठीक है, जितना लेवल आपके एग्जाम का था मैंने पढ़ाया है पूरा का पूरा। चलो क्वेश्चन 110, ठीक है ना। क्वेश्चन 110 क्या है? ए बी से 25% अधिक है। क्या क्या बोलूं मैं, सेम टाइप भाई साहब, सेम इस टाइप का ही 3 वेरिएबल लेकर के कराया था। ए बी से कितना अधिक है? 25% अधिक है। ए जो है बी से 25, अगर बी ए 100 है तो ये 125% है। क्या समझ में आया क्या बच्चा? हाँ, आप बोलोगे सर सही है। बी सी से 120% कम है और सी डी से 110% अधिक है। तो बच्चा आप बोलोगे सर ये वाली सीरीज जो है ना, ये थोड़ी सी उल्टी चल रही है, आप उल्टा चलो, थोड़ा सा समझदार बनो हमारी तरह। तो बच्चा मैंने बोला कि डी जो है वो 100 है तो सी डी से अधिक है, तो डी से कितना अधिक है? 10 अधिक है, तो हमारा सी जो हो गया 110 हो गया। बी जो है सी से 20% कम है, सी से 20% कम है, सी का 20% निकालो बच्चा कितना होगा? 20%, आप बोलोगे सर 22 होगा, 22 इसमें से लेस करेंगे कितना आएगा बच्चा? 88 हो गया बी। अब बच्चा ए निकालना है अपने को, ए निकालना है तो 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 अधिक है तो ये 22 फिर अधिक हो जाएगा, तो 22 अधिक हो गया तो ये 110 हो गया। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, तो इसने बोला कौन सा सत्य नहीं है? क्या बी डी से 12% कम है? सर बी जो है डी से 12% कम है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। ए डी से 10% अधिक है, ए डी से 10% अधिक है, ये भी बिल्कुल कथन सत्य है। ए और सी बराबर हैं, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, ए और सी बराबर हैं। बी ए से 22% कम है, बी ए से 22, बच्चा 22 संख्या में है, परसेंट कम नहीं है, ध्यान रखना ये गलत है। परसेंट की अगर बात की जाए तो 22/110 × 100 20% कम है, ध्यान रखना इस बात का, 20% कम है, ना कि 22% कम है। क्लियर हो रहा होगा? अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके सेम का सेम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने मिक्स एनालिगेशन में बताया था आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट एक लाइन में शॉर्टकट भी बताया था कि भैया देखो, दूध और पानी के मिश्रण में 40 मिश्रण में दूध की मात्रा 90% है, कितना पानी मिलाया जाए? अगर पानी मिलाया जाएगा तो बच्चा क्या मिल्क की मात्रा बराबर आएगी? आप बोलोगे हाँ सर, 40 लीटर में दूध की मात्रा 90% थी, तो आज वाले कितना भी लीटर मिक्सचर हो उसकी दूध की मात्रा बराबर ही रहेगी। तो नए मिश्रण में पानी का अनुपात, पानी की 20% वैल्यू है, तो क्या बच्चा बताओ 80% दूध होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा? 5, तो एक्स की वैल्यू आ गई 45। पहले मिश्रण था कितना? 40, अब कितना हो गया? 45। इसका मतलब 5 लीटर आपने क्या किया है?
पानी मिक्स किया है, बस यही क्वेश्चन पूछा था कि आपने पानी कितना मिक्स किया है। और भी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मेरे को बेस्ट तरीका यही लगा, मैंने आपको बता दिया। ओके, और भी तरीके हैं, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, नया क्वेश्चन 112। किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 3,000 रुपये के अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 14% प्राप्त होता है, तो बताइए कितना है। तो बच्चा डायरेक्ट क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपन, 100% अपन ने वैल्यू मान ली। सबसे पहले अपन ने उसको 8% पे बेचा तो 108 पे बेचा, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया 114 पे बेचा, तो क्या इन दोनों का अंतर ही 3,000 के बराबर होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल, 6% के बराबर 3,000 रुपये की वैल्यू है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 100% की वैल्यू आएगी 50,000, बात खत्म, उसका क्रय मूल्य 50,000 आएगा। आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए टाइम नहीं ले रहा बच्चा मैं, है ना, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये देखो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ होता है, कोई चीज 100 रुपये की है उसे अगर 110 में बेचाता है तो 10% लाभ होता है। उसी वस्तु को पिछले मूल्य से दुगने मूल्य पर बेचने पर, ये पिछला मूल्य है इसको दुगना करना है अपने को, तो दुगना किया तो 220 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? बच्चा सीपी तो आज भी वही है, कितना परसेंट का लाभ दिख रहा है? 120%, बस यही तो पूछा गया था कि आपसे कितना परसेंट का लाभ है, 120%। इजी क्वेश्चन डाल रखे हैं ना आगे, हाँ ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है पर मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको इस क्वेश्चन को। ए और बी की कुल मिलाकर आय जो है 165,000 है, उनकी मासिक आय जो है उनका अनुपात 5:6 है। ए और बी की बचत जो है वो 2:3 है, यदि ए और बी का खर्चा 13:15 है तो बताइए उनके खर्च हुआ हो। अब आप बोलोगे अंतर, आप बोलोगे सर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, तो बच्चा हर टाइप का क्वेश्चन मैं अगर करवा देता तो फिर आप क्या करेंगे? बेसिक इसलिए तो पढ़ाया जाता है, अगर नए टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाए, तो ये अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, ये बोल रहा है कि ए और बी को कुल मिलाकर के 165,000 रुपये है, तो 165,000 को सबसे पहले रेशो में डिवाइड करो, बोल रहा है 5:6, तो 5:6 का 11 के बराबर वैल्यू दे रखी है 165,000 की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 बार जाएगा 15,000 एक यूनिट की वैल्यू, 15 × 5 करेंगे तो 75,000 और 15 × 6 करेंगे 90,000। ये तो हमारी बच्चा क्या हो गया, आय हो गई ए और बी की। अब अच्छा उन्होंने क्या बोला, ए और बी का बचत का अनुपात दे रखा है, तो क्या कुछ ऐसा लगा सकते हैं अपन? आप बोलोगे सर आप बिल्कुल लगा सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि जब भी आप इसको, सबसे पहले खर्चे को एक्स मान लो, ठीक है ना, क्यों मान लो, क्या मान लो, सब बता रहा हूँ यार, थोड़ा तसल्ली रखो, ठीक है ना। जब अपन सर 75,000 में से है ना खर्चा माइनस कर देंगे ना 13x, और जब अपन 90,000 में से 15x माइनस कर देंगे तो आपके पास 2:3 क्या बचत हो जाएगी? आप बोलोगे हाँ सर, तालियां हो जाए आपके लिए, आपने इस क्वेश्चन को बता दिया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 225,000 रुपये माइनस 39x बराबर, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 180,000 रुपये माइनस 30x, ठीक है बच्चा। अब क्लियर करो इसको, यहाँ पर सॉल्व करोगे, इसको यहाँ पर लेकर के जाओगे 45,000 और इसको वहाँ पर लेकर के जाओगे 9x, 9 से अपन ने किया तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 5,000। अब बच्चा बस उसने क्या बोला हमारे को कि खर्चों में अंतर कितना है, तो बच्चा क्या ये 2x की अंतर है? आप बोलोगे हाँ सर, 1x की वैल्यू अगर 5,000 है तो 2x की वैल्यू क्या 10,000 रुपये हो जाएगी, बस यही सॉल्व करना था अपने को, आंसर आ गया। अब बहुत लोग बच्चे छोड़ करके आएंगे इसको, क्योंकि वो क्या करते हैं बच्चा, जो बच्चे टीचर ने टाइप करा दिया वो कर लिया, ऐसा नहीं होता ना बच्चा। टीचर बेसिक क्यों बताता है, ताकि आप भी क्वेश्चंस को ट्राई कर पाएं। मेरे सामने भी ये क्वेश्चन नया आया था, मैंने भी कर दिया और पेपर में भी मैं कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सिर्फ ट्रिक ट्रिक से काम नहीं होगा, जहां पर आता है मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना, आगे चलो। ये वाला क्वेश्चन सेम टाइप का मैंने करा रखा है, बता दो रेशो में पढ़ा रखा है ना, भोकाल सीरीज। तीन संख्याएं जो है 5:1:3 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग बताएं, वर्गों का योग 560 है, तो बताइए अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो बच्चा देखो 5:1:3 है, तो सबसे पहले आप, मैं क्या बोल रहा था, इनको एक्स एक्स मान लो एक बार के लिए, तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x² + 1x का स्क्वायर करोगे तो x² +
3x का स्क्वायर करोगे तो 9x² इक्वल्स टू 560 के बराबर। टोटल करो बच्चा कितना हो रहा है बोलो। अरे बोलते भी नहीं हो यार, क्या तुम भी। 35x² ठीक है ना, 560 के बराबर। आप बोलोगे ठीक है, x² बराबर 560/35, सही है। सॉल्व करो, सात से कितनी बार, 7 से जाएगा 8 बार, 7 से जाएगा 5 बार। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो 16x बराबर लेंगे √16, तो x की दो मान आएगी, बट बटा बच्चा पहला जो प्लस वाला है वही ले लेना तुम तो, ठीक है ना। 4 आएगा, तो x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो बोला क्या है, अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर। अधिकतम ये रही, न्यूनतम ये रही, दोनों का अंतर 4। 4 × 4 = 16 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर बच्चा? इतना तो खोल खोल के बताता हूँ, है इतना करना नहीं होता पेपर के अंदर, ठीक है ना। इजी क्वेश्चंस होते हैं ये सारे के सारे। चलो जिनको इंग्लिश वाले हैं बच्चा वो आप देख लीजिए ऊपर, मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूँ हिंदी में। मेजोरिटी हिंदी की है ना, ठीक है ना। इसलिए 800 की एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर x% होती है। 3 वर्षों में वह राशि 930 हो जाती है, तो बताओ x+3 के अंदर वह राशि कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है बच्चा, सेम टाइप का क्वेश्चन करा रखा है मैंने। याद करो बच्चा हमारे को क्या बोल रखा है, ये वाला सेम का सेम टाइप का क्वेश्चन करा रखा था मैंने। मैंने आपको ये भी बोला था कि इसके अंदर अपने को रेट निकालनी पड़ती है। आप बोलोगे सर इसके अंदर रेट नहीं निकालनी पड़ती, हम कितनी बार बोलें कि आप सिर्फ ये 3% पे फोकस करो। 3% पे आप फोकस करोगे तो 800 × 3% कितना हो गया। आप बोलोगे सर ये हो गया 24। 24 मल्टीप्लाई अगर आप 3 करोगे तो सर आपके पास ₹72 एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो 920 तो मिला ही मिला, 72 और मिला, 992 फाइनल आंसर, खत्म। जिसने भोकाल सीरीज नहीं दे रखी, हाथ जोड़ करके विनती है बच्चा, 1-1.5 घंटे के अंदर ऐसा चैप्टर रिवाइज कराया कि आपका सेम का सेम, ये क्वेश्चन सेम करा रखा है बच्चा, सेम डिट्टो करा रखा है, ठीक है ना, डिट्टो। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से उठा है, अबे मैं यहाँ पर तुम्हारे को सॉल्व करवा रहा हूँ, ये यहाँ से उठाता थोड़ी हूँ मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मेरे पास मटेरियल बतेरा है, उसको उठा करके क्या करूंगा मैं, यहाँ से उठा के क्या करूंगा, ढूंढता रहूंगा क्या। टीचर के ऊपर विश्वास करना सीखिए बच्चा, अगर आप टीचर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, अ सम ऑफ 640, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश वाले देख लीजिए। 640 की एक धनराशि पर विशेष ब्याज दर साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो इसी ब्याज साधारण ब्याज की दर पर 860 की धनराशि पर 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो बच्चा यहाँ पर अपने को रेट निकालनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है ना। तो अपने को रेट निकालनी पड़ेगी, देखो बच्चा इन दोनों का अंतर कितना आएगा। आप बोलोगे सर इन दोनों का अंतर आएगा 832 में से 640 माइनस कर दो, तो 2 और 3 13, 13 में से 9 गया और 7 7 में से 1 गया, 192। 192 इसका अंतर आया। आप बोलोगे सर 2 से डिवाइड करो तब जाकर के 1 साल का ब्याज आएगा। मैंने बोला यार आप होशियार तो हो, तो 2 से डिवाइड किया कितनी बार, 9 बार, 18, 18 में 2, 12 6 96। तो 96 बच्चा आपका 1 साल का ब्याज है, कितने के ऊपर, 640 के ऊपर। आपको रेट निकाल लेनी है, रेट आप निकालो कि 0 से 0 गया, 8 से गया 12 बार, 8 से गया 8 बार, 4 से गया 3 बार, 4 से गया 2 बार, ये अपने पास 5, 15% रेट आ गई बच्चा। अब 15% की रेट से आपको 4 वर्ष का, तो मैं क्या आप इतना आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ क्या कि 15% × 15% × 4 साल का ब्याज क्या आप निकाल करके सॉल्व कर लेंगे क्या। बस इतना तो मुझसे मत कराओ ना, हाथ जोड़ करके विनती है बच्चा, इतना तो मत कराओ कि मैं कैलकुलेशन भी मैं ही करूँ, सब कुछ मैं ही करूँ। सॉल्व कर लेना इसको, आपका आंसर आ जाएगा बच्चा, है ना। नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है ना। और इवन यार इससे क्या मतलब अच्छा होगा कि जो मुझसे गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, जाता हूँ ऑफिस, आता हूँ सारा काम करके आता हूँ, फिर भी आपके लिए क्लास लेकर के आ रहा हूँ। कोई गलती होती है तो मैंने आज भी मैंने रिग्रेट फील करके आपको यूट्यूब पे बोला है कि कल वाला जो एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया था उसका आंसर 6 आएगा, मैं गलती से 16 2/3 कर दिया। तो हाथ जोड़ करके विनती है, कभी कभार थोड़ी सी ऐसी गलती हो जाती है ना बच्चा, सॉरी। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है, अरे आज सिस्टम बहुत गड़बड़ कर रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 6560 है। उसी धनराशि पर आपको उतने ही समय पे कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो सॉल्व कर लो बच्चा, इजी सा है, मैं बताता हूँ देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
बच्चा या तो आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करो, या फिर आपको पता है कि 5% पर 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट होती है 10.25। जो बच्चे पहले सीआई पढ़ रखे हैं उनको ये बात पता होगी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो 6560 है बच्चा, ये जो है 10.25 के बराबर है। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा देख लेते हैं, ये जाएगा 64 बार, है ना, ये जाएगा 64 बार, आपका आएगा 64,000 आंसर, ठीक है ना। 64,000 अपना आंसर आएगा। जब अपन 64,000 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उतने ही वर्ष का, मतलब 5% का 2 साल के लिए साधारण ब्याज चाहिए। तो साधारण में तो कुछ करना ही नहीं होता, डायरेक्ट ही सर आप 10% निकाल दो और आपका आंसर हो जाएगा 6400, बस खत्म। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है ना। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें टफ रहता है, बाकी सब आसान। अब बच्चा ये वाला समझना, मैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जब ये कराऊंगा तो ये ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, बट अभी आप इस बात को समझो। 320 मीटर की एक लंबी रेलगाड़ी जो है वो 640 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, एक खंबे को पार करने के लिए जो समय लेती है उससे 80 सेकंड ज़्यादा लेती है। अब बात को समझना बच्चा, मैं इस बात को बहुत अच्छे से बहुत गहराई से समझाता हूँ आपको। एक बात बताओ बच्चा, जब कोई एक प्लेटफॉर्म, अच्छा चलो ठीक है मैं इसको पूरा पहले बेसिक से बता देता हूँ फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे बताता हूँ। एक बात बचाओ बच्चा, जब उसने 320 लंबी गाड़ी है और 640 प्लेटफॉर्म है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको पार करने के लिए रेलगाड़ी को खुद की जो लंबाई है वो भी पार करनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। तो 640 प्लस 302 ये हो जाएगा 960। 960 आपके पास पार करना पड़ेगा। ये किसी एक्स दूरी पर चल करके इसने पार करी, ठीक है ना, मतलब एक्स मिनट में पार करी मान लो, और माइनस कर दो इसके अंदर खंबे को पार करना। खंबे को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो खुद की लंबाई पार करेगी, तो ये 320 मीटर ही पार करेगी। फिर उसके बाद जब आप इसको ये भी एक्स मिनट में पार करा, सॉरी एक्स नहीं, ये मान लो कि वाई मिनट में पार किया, ए नहीं नहीं क्या कर रहा हूँ, एक्स में ही आएगा, ठीक है ना, ये और ये आ गया हमारे पास इन दोनों का टाइम का अंतर। जब अपन दूरी में स्पीड को करेंगे, दूरी में स्पीड को करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 80 सेकंड का अंतर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर कहना क्या चाहते हो, ठीक है ना, अरे कहना क्या चाहते हो, तो मैं बोल रहा हूँ आप इसको एक्स ले लो, एक्स लोगे तो यहाँ से 190 माइनस 320, ठीक है ना, और ये आ जाएगा अपने पास 80। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 960 माइनस 320 कितना आया, 4640। तो 640 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 80। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। तो आपके पास टाइम जो है, और टाइम क्या, स्पीड जो है 8 मीटर पर सेकेंड आ गई, क्या सॉल्व कर पाएगा। अब बोलोगे सर आप इतना करना ही नहीं था, आप सेकंड मेथड में आपको बताऊं क्या करो। भाई देखो जैसे ही, एक बात बताओ बच्चा, क्या यहाँ पर भी उसने ट्रेन की दूरी कंप्लीट करी, यहाँ पे भी ट्रेन की दूरी कंप्लीट करी, तो ट्रेन और ट्रेन तो एक दूसरे से माइनस होकर के कट जाएंगे। आप तो एक काम करो, 640 को ही 80 सेकंड में दौड़ा दो। आप बोलोगे सर डायरेक्ट 8 सेकंड आंसर आ रहा है, आप कम समझदार हो। तो मैं तो कम ही समझदार हूँ, आप इसे ही सीखता हूँ सब कुछ, ठीक है, तो डायरेक्ट तरीका भी कर सकते हैं। नया क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ठीक है ना, क्या है, 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक टनल को 1 मिनट में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई जो है टनल 700 मीटर है तो बताइए टनल की क्या होगी। बच्चा क्या ऐसा क्वेश्चन अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 78 किलोमीटर है, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लूँ तो आपको 15/18 से करना पड़ेगा, तो ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिनट में ही टाइम सेकंड में लेना पड़ेगा, तो 60 से कर दिया। आप बोलोगे हाँ सर, अब ये है ना ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी आ गई, क्योंकि अपन ने क्या किया है बच्चा, ये तो हमने स्पीड है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय सेकंड किया है, तो मीटर से आ जाएगा दूरी। जो अपन सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 5 से 5 कट गया। जब इसको सॉल्व करोगे आप कितना आएगा बोल दो बच्चा, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, तुम होशियार हो गए हो, ठीक है ना, सही है ये पक्का। अरे यार ये 100 नहीं है, 18 है, वही मैं सोचूंगा कम कैसे आ रहा है, रट के नहीं आता बच्चा, रट के आता तो फिर तो बात ही अलग होती, डायरेक्ट ही उड़ा देता है ना, रट के नहीं आता, आपके सामने ही सॉल्व करके बताता हूँ। 78 मल्टीप्लाई बाय
78 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 60, ये जाएगा अपने पास 6 से 10 बार, ये जाएगा 6 से 3 बार। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 26 बार। 26 पंजी कितना होता है, 130। 130 का मतलब 1300। मतलब बच्चा जब उसने दूरी तय करी है ना, तो वो 1300 किलोमीटर की तय करी है। अब बच्चा जब 1300 मीटर की उसने दूरी तय करी है, तो क्या दूरी जो तय करी है उसमें टनल और रेलगाड़ी दोनों ऐड है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल, अगर मैं इसमें से रेलगाड़ी की दूरी माइनस कर दूं, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई माइनस कर दूं, तो क्या 600 अपनी टनल की आ जाएगी क्या? आप बोलोगे सर 600 मीटर टनल की लंबाई। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं और उसके बाद मैं आपको सेशन को करता हूँ एंड। ये मेरे पास मॉक की सीरीज है। थैंक यू सो मच। दी एग्जाम हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।